हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज। आई एम एडवोकेट वनिता। आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू मुस्लिम लॉ। इन द लास्ट क्लास ऑफ मुस्लिम लॉ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज अंडर द एक्ट। एक्ट में जो ग्राउंड्स थे वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है मेंटेनेंस पे। मैंने कोई पीडीएफ तैयार नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ डायरेक्टली टाइप करके आपको साथ साथ करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इसी वजह से कुछ इश्यू हो रहा है तो मैं आपको इतना डिटेल में जो है नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, आप इसी से ही अपने नोट्स बना लीजिए। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो जो हमारा ये एक्ट है 1986 का मुस्लिम से वुमेन से रिलेटेड, उससे पहले कुछ कस्टमरी जो सिस्टम है, जो पुराने टाइम में पहले से जो मेंटेनेंस का सिस्टम चल रहा था उसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्या कुछ है। मेंटेनेंस को अगर हम देखें तो मेंटेनेंस को नफक भी बोला जाता है, NFAQA, नफक। नफक भी मेंटेनेंस को कहा जाता है। मेंटेनेंस का दूसरा एक नाम है नफक, तो इसको नफक कहा जाता है। नफक का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो अगर हम नफक की बात करें तो नफक को आप लेते हो, एक सेकेंड, मेंटेनेंस को नफक भी बोला जाता है, ये मुस्लिम लैंग्वेज में है तो इससे आगे हम फर्दर करते हैं। अगर मेंटेनेंस की हम बात करें मुस्लिम वुमेन के रिगार्डिंग तो तीन प्रकार से मेंटेनेंस का प्रोविजन होता है इसमें, द फर्स्ट इज, द सेकेंड एंड द थर्ड। तीन प्रकार के जो प्रोविजन है वो मैं आपको बताती हूँ किस हिसाब से होता है। द फर्स्ट इज कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ में क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे। फिर हम सेकंड बात करते हैं एक्ट 1986 की बात करें वो क्या प्रोविजन देता है, और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो हम सीआरपीसी को लेके चलेंगे कि सीआरपीसी में किस प्रकार से प्रोविजन मेंशन किए गए हैं। तो अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, जो वाइफ का राइट है मेंटेन करने का वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मुस्लिम लॉ में एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके मुस्लिम लेडी जो है वो क्लेम कर सकती है। बट अगर हम सीआरपीसी को लेके चलें तो सीआरपीसी में उसे एब्सोल्यूट राइट प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करें 1986 के एक्ट की बात करें तो इसमें भी लिमिटेड सा है, कोई एब्सोल्यूट राइट प्रोवाइड नहीं किया गया। एब्सोल्यूट राइट सिर्फ सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया, इसमें भी एब्सोल्यूट राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो जो मुस्लिम वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, किस ग्राउंड पे कर सकती है, किस प्रकार का मेंटेनेंस उसे मिल सकता है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग इसे खर्चा पंदान भी बोला जाता है। खर्चा पंदान की वाइफ को जीवन जीने के लिए कुछ खर्चा मिलना चाहिए। मेवाखोरी भी जिसे बोलते हैं, मेवाखोरी का मतलब होता है एक तरीके से पॉकेट मनी। अगर मान लो कुछ पहले से एग्रीमेंट किया गया है और उस एग्रीमेंट में ऐसा है कि उन्हें फर्दर जो है खर्चा पंदान मिलना चाहिए, गुजारा खर्चा मिलना चाहिए, मेवाखोरी मिलनी चाहिए, तो वो भी मेंटेनेंस का एक पार्ट है। तो उसको भी मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ, खर्चा पंदान। उसके साथ एक और भी वर्ड यूज होता है मेवाखोरी। मेवाखोरी इसके अलावा गुजारा खर्चा, गुजारा खर्चा भी एक वर्ड है जो यूज होता है। ये वो वर्ड्स हैं जो स्पेशली इसी में यूज किए जाते हैं कि मान लीजिए पहले से कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है शादी के बाद हस्बैंड जो है हमेशा ही उसको कुछ खर्चा मेंटेनेंस के लिए देगा, उसे मेवाखोरी भी कहा जा सकता है, उसे जो है गुजारा खर्चा भी कहा जा सकता है। तो ये कि अलग सिस्टम है, इसमें तो क्या है कि पहले से एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये उसको मिलेगा, प्री नुपिटल एग्रीमेंट जिसे बोला जाता है। अगर हम खर्चे की बात करें, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बात करें, तो जब हम सीआरपीसी को लेके चलते हैं तो सीआरपीसी आप जानते ही हो कि एक सेक्युलर लॉ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन सीआरपीसी को फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो एक लैंडमार्क केस आया था वो केस था, उस केस का नाम था मोहम्मद अहमद खान शाबानू। मोहम्मद अहमद खान का जो केस था एक लैंडमार्क केस है, मैं लिखवा देती हूँ, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाबानू। इस केस में क्या था,
ये केस आया था 1985 का, मैं ईयर भी आपको मेंशन करवा देती हूँ, ये केस था 1985 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस में क्या इश्यू अराइज हुआ था, इस केस में एक वुमन थी जिसने 40 साल अपनी जिंदगी के शादीशुदा रिलेशन में दिए थे मोहम्मद अहमद खान जो एक एडवोकेट थे। अब यहाँ पर मोहम्मद अहमद खान ने इरिवोकेबल जो तलाक था यानी कि तलाक उल बिद्दत था वो जो है अपनी वाइफ को दे दिया। वाइफ के पास मेंटेनेंस का कोई सोर्स नहीं था, सी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, सी वेंट टू कोर्ट, कोर्ट में गई, लोअर कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया। इसमें सीआरपीसी का प्रोविजन उठाया गया, अगर सीआरपीसी का हम सेक्शन 127 का क्लोज 3 देखते हैं उसमें कुछ ग्राउंड है कि अगर आपको कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग कुछ पेमेंट मिली है, कुछ आपको फुलफिलमेंट किया गया है आपका, तो उस हिसाब से आप मेंटेनेंस के लिए आप कह सकते हो कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसमें इसी मुद्दे को उठाया गया। जब ये मुद्दा लास्ट में जाके कोर्ट में पहुंचा, हायर अथॉरिटी के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस टाइम में जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह थे, उन्होंने ये बात कही। इसमें ग्राउंड ये लिया गया मोहम्मद अहमद खान ने कि जो मेहर दी गई थी डाइवोर्स के बाद वो एक तरीके से कस्टमरी लॉ में कुछ पेमेंट किया गया, पर्सनल लॉ में कुछ पेमेंट किया गया, तो उस बेस पे जो है मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि देखिए मेहर जो है वो डाइवोर्स के ग्राउंड पर या डाइवोर्स देने के बाद आप दोगे ये कोई जरूरी नहीं है, मेहर तो निकाह होने से पहले भी दिया जा सकता है, मेहर तो निकाह के जस्ट बाद भी दिया जा सकता है। और एक बात यहाँ पर कहने लायक ये है कि जिस मेहर को आप एक ग्राउंड मान रहे हो कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग जो पेमेंट मान रहे हो वो पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि शाह बानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मोहम्मद अहमद खान को ये बात कही कि आपको जो है गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। जब ये जजमेंट आया उसके बाद काफी एक तरीके से अराजकता फैल गई, मुस्लिम्स में अनरेस्ट हो गया। अनरेस्ट इस ग्राउंड पे हुआ कि मुस्लिम लॉ के अंदर 4 शादी का प्रोविजन है, अगर कोई व्यक्ति 4 शादियां करता है और डाइवोर्स भी देता है तो डाइवोर्स्ड वाइफ को भी अगर उसे पे करना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा इश्यू अराइज हो गया। इस इश्यू अराइज होने के बाद द एक्ट जो है केम इन टू एग्जिस्टेंस। वो एक्ट क्या था, वो एक्ट था द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उसमें क्या हुआ, उस टाइम में इस एक्ट के आने का कारण यही था कि उस टाइम में राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं चला ना जाए, तो उन्होंने वो एक्ट ला दिया। और उस एक्ट में क्या था, उस एक्ट में कुछ नया ऐड नहीं हुआ था, उस एक्ट में जो ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता था सिस्टम वही सारा का सारा उसमें फॉलो किया गया, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। लेकिन उस एक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। उस एक्ट के हिसाब से अगर मान लो अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया कुछ सीखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जैसे इद्दत की डेफिनेशन उसमें दी गई है वो हम उसमें से देखेंगे, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो वो भी हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उस एक्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ एक जजमेंट्स और हैं जो मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ, वो जजमेंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस केस के अंदर और क्या प्रोविजंस इंक्लूड हुए थे, इसमें एक तो पहला ये था कि वेदर सीआरपीसी अप्लाइज टू मुस्लिम वुमेन। जब मोहम्मद अहमद खान का केस आया इसमें पहला इश्यू तो ये राइज हुआ कि क्या सीआरपीसी के जो प्रोविजन है मेंटेनेंस के, क्या वो मुस्लिम लॉ पर अप्लीकेबल होंगे। तो कोर्ट ने कहा हाँ जी वो मुस्लिम लॉ पर भी अप्लीकेबल होंगे। फिर इसके अंदर व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ मेंटेनेंस का, क्या पीरियड होगा, क्या इद्दत पीरियड होगा या एंटायर पीरियड ऑफ डाइवोर्स होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि जब तक वो वाइफ दोबारा मैरिज नहीं करेगी तब तक जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सीआरपीसी यही प्रोविजन बताता है। थर्ड चीज की वेदर मेहर और मेंटेनेंस जो सेम चीज है, तो कोर्ट ने कहा मेहर और मेंटेनेंस दोनों को हम सेम फुटिंग पर नहीं रख सकते, मेंटेनेंस एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। मेहर के अलावा अगर आप मान लो कुछ पेमेंट जो है वो मेंटेनेंस के लिए देते हो तो उस चीज को जो है आप मेंटेनेंस कह सकते हो, लेकिन मेहर को आप मेंटेनेंस नहीं कह सकते। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस आया, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट केस है डैनियल लतीफी। इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट आया था 2000 में। ये जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इस जजमेंट में क्या बात की गई, इस जजमेंट में ये जो जजमेंट था इसका थोड़ा सा लिबरल फॉर्म में कुछ एक्सपेंड कर दिया गया। इस केस में क्या था,
एक एक्ट पास हो गया, उसके बाद इश्यू वही रह गया कि क्या सीआरपीसी अब अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जो डिफरेंस था मेहर और मेंटेनेंस का, वो डिफरेंस अभी तक कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद जो सीआरपीसी की अप्लीकेशन है, जिसके लिए अगर हम सेक्शन 5 को हम देखेंगे, सेक्शन 5 जब उसकी हम बात करते हैं, एक बार हम सेक्शन 5 को डिस्कस कर लेते हैं क्या है। सेक्शन 5 का एडिंग मैं आपको करवा देती हूँ। सेक्शन 5 कहता है कि ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 से 28 कि सेक्शन 5 ये बात कहता है कि इफ ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग, जो फर्स्ट हियरिंग होगी ना कोर्ट में, उस दिन मान लो डाइवोर्स वुमन और उसका फॉर्मर हस्बैंड ये डिक्लेयर करता है एफिडेविट से या डिक्लेरेशन राइटिंग में देता है कि वो जो है गवर्न होंगे 125 और 128 के प्रोविजन से, तभी जो है 125 का जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वो अप्लीकेबल होगा। तो एक्सप्लेनेशन भी इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है जो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग का मतलब है द डेट फिक्स्ड इन समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट ऑफ द एप्लीकेंट, जो रेस्पोंडेंट है उसकी जो फर्स्ट हियरिंग तब मानी जाएगी जब समन से वो कोर्ट में अपनी अटेंडेंस देगा। जब इतना बवाल मच गया खर्चे के लिए, तो क्या आप बताइए कि क्या कोई भी हस्बैंड जो है ये बात कहेगा कि उनको जो है 125 सीआरपीसी के तहत गवर्न किया जाए। तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसके साथ साथ अगर हम ट्रांजिशनल प्रोविजन भी देखते हैं, वो क्या कहता है कि एवरी एप्लीकेशन, अगर डाइवोर्स वुमन ने कोई एप्लीकेशन सेक्शन 125 में दी थी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत, जो भी पेंडिंग है मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें भी सेक्शन 5 को फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 5 को फॉलो किया जाएगा कि अगर वो पार्टी, दोनों पार्टीज एफिडेविट देती हैं और ये कहती हैं कि उनका जो ये ट्रायल है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये वही का वही सिस्टम रह गया। कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहेगा कि वो जो है कोर्ट में एफिडेविट दे कि उसका जो ट्रायल है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग वो सीआरपीसी के तहत फॉलो किया जाए। तो सेक्शन 5 और सीआरपीसी के सेक्शन 5 का 125 का जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो डैनियल लतीफी के केस में हुआ। और उसके बाद कोर्ट ने ये बात कही कि चाहे सेक्शन 5 आ गया है, लेकिन अभी भी सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो अभी भी अप्लीकेबल होगा, और जो मेंटेनेंस का राइट है वाइफ का, वो सिर्फ उसका इद्दत पीरियड ही नहीं है बल्कि उसके बाद भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। इस डैनियल लतीफी के केस में जो आर्टिकल 14, 19 और 21 को भी डील किया गया, और ये कहा गया कि अगर हम मान लो वाइफ को इक्वल राइट नहीं देते हैं तो ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायोलेशन होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता कि किसी प्रकार का वायोलेशन किया जाए। तो एक डाइवोर्स वाइफ के लिए कुछ फेयर प्रोविजन होना चाहिए। तो इस प्रकार का इश्यू इसमें अराइज हुआ। डैनियल लतीफी के केस में सेक्शन 5 को भी कंसिडर किया गया, और उसके बाद 1986 एक्ट जो वाइफ पर अप्लाई होगा, वो कह रहा है कि 1986 का जो एक्ट है वो डाइवोर्स वाइफ पर अप्लाई होगा, डेजर्टेड वाइफ पर नहीं। मान लो किसी ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया और उसने उसको त्याग कर दिया है, तो उस पर जो है किसी प्रकार से ये अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस के बाद नेक्स्ट केस आया हमारा, इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज खातून निशा वर्सेस, मैं ये अपने किसी नोट से आपको करवा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना मैं आपको नोट्स भी स्पेशली प्रोवाइड करवा देती, लेकिन क्या करें, टाइम की शॉर्टेज चल रही है, फिर भी मुझे लगा कि मुझे लेक्चर तो अपलोड करना ही चाहिए। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में भी इश्यू अराइज हुआ, उसी के रिगार्डिंग इश्यू अराइज हुआ। खातून निशा का केस करने से पहले एक बार मैं आपको एक दो केस और करवाती हूँ, जो केस आया था, इसके बाद मैं यहाँ लिखवाती हूँ आपको केस। ये 1997 का भी एक केस था, वो भी एक इम्पोर्टेंट केस, अगर आपके पास यूनिवर्सल का बेयर एक्ट है उसमें भी आप देख सकते हो, नूर सभा खातून, नूर सभा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम। इस केस में ये भी ये जो केस है ये 1997 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में भी वही इशू था, सेक्शन 125 से रिलेटेड इशू था। तो कोर्ट ने ये बात कही कि जो सेक्शन 3 जो है 1986 एक्ट का, वो कहीं भी जाकर 125 के जो राइट है उस राइट का हनन नहीं कर सकता। जो 125 सीआरपीसी में जो राइट प्रोवाइड किया गया, उस राइट को आप कहीं भी उसका आप जो है ले नहीं सकते, उस राइट को आप ये नहीं कह सकते कि वो राइट अब उसका खत्म हो चुका है। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई राइट दिया गया है किसी भी मुस्लिम लेडी को, जो सेक्शन 3 में दिया गया है, उस सेक्शन 3 में राइट देने के बावजूद भी अब जो है वो राइट माना जाएगा उसी के फेवर में। तो इस तरीके से इस राइट की जो बात है वो
कही गई थी इसके अंदर, 125 से रिलेटेड ही ये सारा कुछ मैटर है। तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को मैं आपको बता देती हूँ कि पहले ये था, ठीक है, 97, फिर हम इसको, इसके बाद ये है, ये जजमेंट है, उसके बाद ये जजमेंट है, मैं अपने लेवल पे बेस्ट करवाने का प्रयास कर रही हूँ, फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगी मुझे किस प्रकार के और वीडियोस बनाने चाहिए। इस केस में हम आ गए थे खातून निसा के केस में, इस केस में ये बात कही गई, ये इश्यू अराइज हुआ था, वेदर ए मजिस्ट्रेट इज एंटाइटल टू इन्वोक हिज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 125, क्या एक मजिस्ट्रेट जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकता है जब उसे मेंटेनेंस ग्रांट करना हो मुस्लिम वुमन को, तो क्या जो 125 के तहत उसको जो ज्यूरिसडिक्शनल राइट मिले हुए हैं क्या उस राइट को वो अच्छे से एंटरटेन कर सकता है। तो कोर्ट ने इसमें ये बात कही कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी कैन बी इन्वोक्ड, अगर उसको लगता है कि वो जो है उसे एक्सरसाइज करना चाहिए राइट, ज्यूरिसडिक्शन का राइट जो है, तो उसमें जो है कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। उसके बाद इसमें अगला एक इंपॉर्टेंट केस है हमारा, दैट केस इज इकबाल बानो, ये सारे लैंडमार्क केस हैं, इकबाल बानो, एक सेकेंड, ठीक है मैं यही लिखवा देती हूँ इसको, इकबाल बानो, इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ट का सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें भी वही इश्यू राइज हुआ था कि इसमें ये बात कही गई थी कि जो ये केस है, जो ये सेक्शन 1986 है, ये अप्लाई होगा उन वुमन पर जो डाइवोर्स वुमन है, और जो व्यू है कि मुस्लिम वुमन कैन मेंटेन, अगर मुस्लिम वुमन चाहे तो वो एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 125 के तहत लगा सकती है, क्योंकि 125 का जो एक्ट है ना, 125 का जो सेक्शन है वो सेक्शन स्पेसिफिकली सेक्युलर प्रोविजन है, उसमें कोई भी किसी भी धर्म की लेडी जो है उसमें मेंटेनेंस का अपना राइट जो एक्सरसाइज करवा सकती है, उसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा। तो ये जो बात है इसमें कही गई थी, तो आप ये मान के चलिए कि चाहे कोई भी प्रोविजन क्यों ना आया हो, लेकिन 125 का जो राइट है वो सभी को इक्वली अप्लीकेबल होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट जजमेंट और है इसमें, शबनम बानो वर्सेस इमरान खान, शबनम बानो वर्सेस इमरान खान, 2010 का ये जजमेंट है, मैं कंटिन्यूटी में आपको करवा रही हूं जो आपको दिक्कत ना आए। इस केस में क्या था, इश्यू अराइज हुआ कि 125 अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो कोर्ट ने कहा कि द राइट है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का, तो कोर्ट अगर चाहे तो जो 125 को अप्लाई कर सकते हो फैमिली कोर्ट में, उसके तहत उसको राइट मिलेगा। उससे नेक्स्ट इसमें एक और जजमेंट आया, एक और जजमेंट है, शमीम बानो वर्सेस अशरफ खान, ये 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में भी मेन इश्यू अराइज हुआ था कि एप्लीकेशन ऑफ 125 डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन में था, तो कोर्ट ने ये बात कही कि 125 सीआरपीसी वुड अप्लाई ओनली टिल द मैरिज, जब तक मैरिज एग्जिस्ट होगा तब तक होगा, लेकिन उसके बाद जो है 125 को अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट राइट जो सीआरपीसी में दिया है उसको आप अनफेटर्ड नहीं कर सकते, उस राइट को भी एंटरटेन किया जा सकता है। तो ये जो है प्रोविजन काफी हद तक एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, हम इसे कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको अगर चाहो तो अच्छा डिटेल में इसको कर सकते हो, ये सारे केसेस आप माइंड में रख सकते हो। और लेटेस्ट अगर ट्रिपल तलाक की हम बात करें तो अभी शाहबानो का जो सायरा बानो का जो केस है वो आ चुका है। तो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात अगर हम देखें, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात होगी, अगर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं तो बिफोर डाइवोर्स जो है वो तो सीआरपीसी के तहत उसे मिलेगा, और आफ्टर डाइवोर्स जो है चिल्ड्रन के मैटर में जो सेक्शन 3 जो है
जो 1986 एक्ट का है उसके तहत उसको मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस का जो ये लेटेस्ट जो एक्ट आया है उस एक्ट में भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी जो है हस्बैंड की मेंटेन नहीं की गई है। और मैंने आपको जो खर्चा पंदान बताया है या मेवाखोरी बताई है, गुजारा खर्चा बताया है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ कस्टमरी मेंटेनेंस की बात है। कस्टम से कुछ डिसाइड हुआ है तो ये कस्टमरी मेंटेनेंस है, इसको जो है मैं यहाँ नोट लिखवा देती हूँ कि दिस इज कस्टमरी मेंटेनेंस। तो ये क्या है, कस्टमरी मेंटेनेंस है। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कस्टमरी मेंटेनेंस। तो ये कस्टमरी मेंटेनेंस है और इस कस्टमरी कई बार पूछ लिया जाता है तो आप जो है ये बता सकते हो। कस्टमरी मेंटेनेंस जो है प्री नुपिटल एग्रीमेंट का मतलब है पहले से कुछ एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जो है कस्टमरी जो मेंटेनेंस है वो दिया जा सकता है। तो ये तो हम अब बात करते हैं कस्टमरी मेंटेनेंस की। अब हमने बात कर ली जो मेंटेनेंस जो है जो मुस्लिम लोग इतने सालों से गवर्न हो रहा था उसके अंदर हमने मेंटेनेंस को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट 1986 की, उसमें क्या कुछ नया है और क्या कुछ पुराना है। उसको मैं फास्टली करवाऊंगी, अगर डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके बाद में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसमें क्या है, इसमें जो सारे के सारे सात सेक्शन है, जिसमें फिफ्थ सेक्शन में आपको करवा चुकी हूँ, सेवन्थ में आपको करवा चुकी हूँ। फिफ्थ में तो क्या ऑप्शन दे दिया कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो कोर्ट में ही अपने आपका एक डेफिडेविट देंगे या डिक्लेरेशन करवाएंगे कि जो हमें जो है ये इस एक्ट के तहत गवर्न होना है या नहीं होना। तो वो जो है एक बेफालतू का मुझे कंसेप्ट लगा, तो कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते। ये जो एक्ट आया ना ये भागा दौड़ी में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए आया। राजीव गांधी ने कर दिया कि ठीक है हस्बैंड की किसी प्रकार की लायबिलिटी इसमें एक्ट में रखी नहीं है, चलो हम देखते हैं क्या कुछ है। ये द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 एक्ट नंबर 25 है 1986 का, 19 मई 1986 से ये लागू हुआ था। प्रियम्बल क्या कह रहा है इसका वो देख लेते हैं। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मुस्लिम वुमन, प्रोटेक्ट करेगा राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमन का हु हैव बीन डाइवोर्स, जिसको डाइवोर्स मिल चुका है और हैव बीन ऑब्टेन डाइवोर्स, और जो डाइवोर्स उससे ऑब्टेन हुआ है उसके बाद जो भी कुछ मैटर्स है जो उससे कनेक्टेड है या इंसिडेंटल है उसके बारे में। शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंड में अगर देखें तो अभी होल ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल है क्योंकि जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था उसको अब निकाल दिया गया है। जब 376 को ही निकाल दिया गया तो उसको तो चांस ही नहीं है कि रखा गया हो। डेफिनेशन की हम बात करें तो सबसे पहला 2A बात करता है डाइवोर्स वुमन का, मतलब है ए मुस्लिम वुमन हु वॉज मैरिड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ के तहत, जिसकी शादी हुई है एंड हैज बिन डाइवोर्स, और उसको तलाक मिल गया और हैज बिन ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड इन अकॉर्डिंग विद मुस्लिम लॉ के तहत, उसको जो है डाइवोर्स मिला है, जैसे तलाक के वर्डिंग जो उसमें दी गई है। इद्दत पीरियड है, वही इद्दत पीरियड जो हम पढ़ते आए हैं वही यहाँ पर दिया गया है। 2B बात करता है इद्दत पीरियड की। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखना हो इद्दत पीरियड के बारे में, शॉर्ट नोट्स आता है तो आप मेंशन कर सकते हो सेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 डिफाइन करता है इद्दत पीरियड की। 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेथ ऑफ डाइवोर्स के, अगर मेंस्ट्रुएशन में है तो 3 मेंस्ट्रुएशनल कोर्सेज देखा जाएगा इद्दत पीरियड का, और अगर मेंस्ट्रुएशन में नहीं है तो 3 लुनार मंथ होता है 29.5 डे का। अगर सी इज एनसेंटे का मतलब प्रेग्नेंट है तो जो भी टाइम पीरियड होगा डिलीवरी होगी या पहले उसका अबॉर्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें से जो पहले होगा तब तक का उसे मेंटेन करना है। मजिस्ट्रेट का मतलब है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीआरपीसी में मेंशन है। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि वो रूल्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं हम, मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमन टू बी गिवन, कि जब भी डाइवोर्स होगा जो मेहर है या कोई दूसरी प्रॉपर्टीज है जो मुस्लिम वुमन की वो उसे दी जाएंगी। नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स डाइवोर्स वुमन शैल बी एंटाइटल्ड, डाइवोर्स वुमन को क्या मिलेगा, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पे टू द इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड में उसे मेंटेनेंस मिलेगा जो पहले भी था, कुछ नया नहीं है। वेयर शी हर्सेल्फ, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसका जो बच्चा हो जाता है मान लो इद्दत पीरियड के बाद जो बच्चा उसका है तो उस बच्चे में डिलीवरी के बाद अगर बच्चा उसके पास रहता है तो उसके अभी 2 साल तक का वो मेंटेनेंस का राइट है बच्चे का। और एक अमाउंट जो है मेहर की इक्वल टू द सम ऑफ मेहर की अमाउंट जो है जो पेड करनी थी शादी के टाइम पर वो जो है अब दी जाएगी, कुछ नया नहीं है, ये तो देना ही है। ऑल द प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट इसमें एक नया एड हुआ है जो बात कर रहा है ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन टू हर और एट द टाइम ऑफ द मैरिज और आफ्टर मैरिज बाय हर रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों दोस्तों के द्वारा अगर कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए गए थे, कोई प्रॉपर्टी दी गई थी जिसे स्त्री धन बोला जाता है, वो जो है सारा का सारा वाइफ को देना पड़ेगा, वो वाइफ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सेकंड क्लोज कहता है वेयर रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस और द अमाउंट ऑफ मेहर और डोर ड्यू है, और अगर वो उसे नहीं दिया गया है
तो फिर क्या कर सकता है, हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टू अ डाइवोर्स वुमन, तो क्या करेगी वो, अप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, या तो वो खुद अप्लीकेशन देगी मजिस्ट्रेट को, एनी वन, या तो शी और एनी वन ऑथराइज्ड है ऑन बिहाफ डोवर के लिए कोर्ट में अप्लीकेशन दे देगी कि उसे जो डोवर मिल जाए। वेयर एन अप्लीकेशन हैज बीन मेड, अगर मान लो डोवर के लिए अप्लीकेशन मिल जाती है तो फिर मजिस्ट्रेट पहले सेटिस्फाई करेगा, इनकी कोर्ट की लंबी हियरिंग चलेगी। हर हस्बैंड हैविंग सफिशिएंट, फिर ये देखा जाएगा कि क्या उसके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन है, क्या वो उसे पे करने में मना कर रहा है इस पीरियड में, क्या उसको मेंटेन भी नहीं किया था, वो देखा जाएगा। द अमाउंट जो थी मेहर की वो भी उसे कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगी। ये ऑर्डर कब करेगी, एक महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर होना चाहिए, कहने का मतलब है एक महीने के अंदर अंदर ऑर्डर करेगी। ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जब उसे एप्लीकेशन फाइल की थी, डायरेक्टिंग हर फॉर्मर हस्बैंड टू पे सच रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, तो उसको कहेगा कि जो भी फेयर प्रोविजंस हैं, जितना भी बन सकता है वो मेंटेनेंस उसको दे, कुछ खास इसमें नहीं आप पढ़ लेना। प्रोवाइजो कहता है कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो जो एप्लीकेशन उसने सेट पीरियड में डिस्पोज नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, रीजन मेंशन कर देगा। नॉर्मली क्या है, एक महीने में कहां मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो उसको सुना जाता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं 125 में, तो उसमें भी तो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, और मुस्लिम में 30 डेज का, तो क्या 60 डेज में मेंटेनेंस मिल जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाता। इफ एनी पर्सन अगेंस्ट वुमन ऑर्डर, जिसके खिलाफ अगेंस्ट मिला, अगर वो सफिशिएंट कॉज नहीं देता है, ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके अंदर क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और अंटिल पेमेंट, जब तक एक साल की पनिशमेंट है, या मान लो जब तक वो पेमेंट नहीं दे पाता, तो ये पनिशमेंट का प्रोविजन इसमें दे दिया गया है कि एक साल तक अगर मान लो वो उसको अगर पे नहीं करेगा या कोर्ट को ऑर्डर नहीं मानता, तो एक साल की पनिशमेंट मिल सकती है। ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द टाइम इन व्हेन अ मजिस्ट्रेट सैटिस्फाइड द डाइवोर्स वुमन हैज नॉट रीमैरिड, अगर सैटिस्फाई हो जाता है कि डाइवोर्स वुमन रीमैरिड नहीं है, इज नॉट अनेबल, और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, इधर पीरियड के बाद ही में मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग सच रिलेटिव, तो उसके रिलेटिव को कहेगा कि वो मेंटेनेंस दे जो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। तो आगे उसकी फैमिली मेंबर्स पर बात आ गई, ऑनर डेथ, जो उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, उस मामले में हैविंग रिगार्ड टू द नीड ऑफ डाइवोर्स और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सारा का सारा ये बात कह दी कि जो भी उसके रिलेटिव है वो उसको मेंटेनेंस देंगे। प्रोवाइजो कहता है कि वेयर सच डाइवोर्स वुमन एंड चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे हैं, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा ओनली सच चिल्ड्रन टू पे मेंटेनेंस टू हर, अगर उसके कोई लेडी है और उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, या बच्चों की लाइबिलिटी मजिस्ट्रेट उन बच्चों को कहेगा, अगर मान लो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चे नहीं दे, बच्चे को ऑर्डर कर सकता है, अगर वो अनेबल टू सच मेंटेनेंस है फिर ऑर्डर करेगा पेरेंट्स को, डाइवोर्स वुमन को पेरेंट्स को कहेगा मेंटेनेंस दो, पहले तो उनको कहेगा जिनके पास प्रॉपर्टी आने वाली है, फिर उनके बच्चों को कहेगा, फिर पेरेंट्स को कहेगा। प्रोवाइडर फर्दर कहता है कि पेरेंट्स भी अगर मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लास्ट प्रोविजन इसमें बात कर रहा है कि ऑर्डर दैट द शेयर ऑफ द सच रिलेटिव वो मेंटेनेंस ऑर्डर पे करेगा, जितना भी उनमें शेयर बन रहा है उस हिसाब से रिलेटिव्स को मेंटेनेंस की बात कहेगा। जहां पर डाइवोर्स वुमन मेंटेनेंस नहीं कर पा रही अपने आप को, कोई रिलेटिव भी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर डायरेक्ट करेगा स्टेट वक्फ बोर्ड, एस्टेब्लिश्ड अंडर वक्फ बोर्ड जो है उसको कहेगा कि आप उसे मेंटेन कीजिए। तो कहीं भी जाके हस्बैंड के ऊपर लायबिलिटी दी नहीं गई है, तो ये एक्ट टोटली जो है मुस्लिम मैन के पक्ष में है, तो इसमें वुमन के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 6 की बात करें तो वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है, वो ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मेरी अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मुस्लिम एक्ट के अंदर इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक बार दोबारा रिवाइज करें तो आप देख लीजिए, सबसे पहली चीज मेंटेनेंस में, कस्टमरी मेंटेनेंस में खर्चा है पंदान मेवाखोरी गुजारा खर्चा कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग है। मोहम्मद अहमद खान शाहबानो में हालांकि जो मेंटेनेंस मिल गया उसके बाद भी शाहबानो ने मेंटेनेंस नहीं लिया था, उसने अपना वो राइट है वो अवॉइड कर दिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इतने कुछ जजमेंट्स आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है थोड़ा सा, मुस्लिम पर्सनल लॉ थोड़ा सा उलझा हुआ है, जो पूरी तरह से पैट्रियार्की सिस्टम है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है पूरी तरह से। तो कहीं भी आप जाइए मुस्लिम लॉ से ज्यादा अच्छा हमारा हिंदू लॉ में काफी ज्यादा राइट्स दिए गए, जब तक वाइफ जीवित है सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत, चाहे वो उसके साथ रह रही है चाहे वो डाइवोर्स है, उसको राइट है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है, सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है, लेकिन मुस्लिम वुमन को कोई भी ऐसे विशेष राइट नहीं दिए गए हैं। आई होप आपको मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो मुस्लिम लॉ का ये प्रोविजन आपको समझ में आ गया, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट आल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ वीडियोस दैट हेल्प देम इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।